ये दुर्भाग्य है कि जब 56 रुपये का पेट्रोल और डीजल था तो गैस सिलेंडर को गले में लटका के और प्याज को गले में लटका करके स्मृति ईरानी घूमती थी। महंगाई के बारे में कुछ तो बोलना चाहिए ना। ये जवाब नहीं हो सकता कांग्रेसी क्या करते हैं, जवाब ये होना चाहिए केंद्र सरकार क्या कह रही है। वायदा आपने किया था, निभाना आपको पड़ेगा। धनवंतरी की योजना ये ऐसी योजनाएं थी जिसको सुन करके माननीय हरियाणा के सभी सम्मानित विधायकों ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं संचालित हो रही हैं वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और आने वाले समय में हरियाणा जैसे राज्य में भी इन योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। कि हाईकमांड ने दोनों महत्वपूर्ण चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के साथ नवनिर्वाचित सांसद राज्यसभा श्री राजीव शुक्ला जी को ऑब्जर्वर बनाया है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर हाईकमांड ने बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। राजस्थान चुनाव के लिए भी माननीय महाराज साहब श्री टी एस सिंहदेव जी को ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ के दो बड़े नेताओं के ऊपर हाईकमांड ने भरोसा जताया है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो मैं कह सकता हूँ हरियाणा के विधायकों का यहाँ आगमन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, भेंट करेंगे, चर्चा भी करेंगे। मुझे ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हम लोग ये मान के चलते हैं सफलता तो रहती है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चर्चा के बाद उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है कांग्रेस को जो आवश्यक समर्थन है उतने विधायकों का समर्थन प्राप्त हो जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र के जवाब में इनकार करना उचित नहीं है, वो तो हमारे अपने कर्मचारियों का ही पैसा है ना। और अगर पुरानी पेंशन योजना लागू किया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी के हितों का फैसला है, उनको फायदा होने वाला है। केंद्र सरकार के अभिकरण प्राधिकरण के द्वारा इसको क्यों रोका जा रहा है ये हमारी समझ से परे है। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, माननीय न्यायालय से आदेश होगा। आप कैसे रोक सकते हो कर्मचारियों के पैसे को? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, मैं ऐसा समझता हूँ केंद्र सरकार को समुचित निर्णय लेना चाहिए। अलग अलग बातें हैं, एक पर्टिकुलर घटना को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ को माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अपराध का गढ़ कह रहे हैं तो ये कतई उचित नहीं है। अपराध को रोकने में हमारी सरकार सफल हुई है, नक्सलवाद का जो फैलाव हो रहा था उसको रोकने में हम लोग सफल हुए हैं, नशा का जो कारोबार चल रहा था उसको रोकने में हम सफल हुए हैं। लेकिन जिस घटना की ओर आप ध्यान दिला रहे हैं, जिला प्रशासन को और जिला पुलिस प्रशासन को भी मैं भी निर्देश जारी करूंगा यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हमारे रायपुर शहर में नहीं होनी चाहिए। जो हुआ वो उचित नहीं था। जिस दिन बजट में बोधघाट को शामिल किया उसके पहले बस्तर संभाग के सभी सांसद और सभी माननीय विधायकों के साथ और तो और वहाँ के सबसे वरिष्ठतम नेता आदरणीय अरविंद नेताम जी को भी उस मीटिंग में हमने बुलाया था। उनसे चर्चा करने के बाद ही उस परियोजना के लिए बजट में आवंटन हमने रखा और उस दिन भी हमने तय किया जब तक बस्तर के लोग चाहेंगे जब तभी बोधघाट की परियोजना हम शुरू करेंगे। और डीपीआर बनाने का काम अलग है लेकिन बस्तर में जब तक सहमति बनेगी तभी बोधघाट की काम शुरू होगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसी प्रकार से स्टेटमेंट दिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये भाषा तो समझ लीजिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की भाषा है। अब अमित शाह जी से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की क्या बात हुई है ये उनके स्टेटमेंट से साबित हो रहा है कि तोड़ फोड़ और षड्यंत्र की राजनीति करने में माहिर लोग अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन उनका दुर्भाग्य होगा छत्तीसगढ़ में जो माननीय विधायकगण मौजूद हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार का षड्यंत्र वो करना चाहेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई को वो चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? छत्तीसगढ़ में उनके 10 सांसद हैं, एक दिन जा करके केंद्र सरकार के पास बैठ जाए। ये जो कोयले का आवंटन का काम है, मेजर मिनरल होता है कोयला, ये काम तो केंद्र सरकार करती है और 10 सांसद अगर बैठ के वहाँ आपत्ति कर देंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 10 सांसद की बात को तो कोई सुनेगा ना। खाली प्रेस में बोल देने से अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, पहली बात है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नियम के विरुद्ध किसी को कोल माइंस नहीं दिया जा सकता,
और जो नियमों में होगा उसको रोका भी नहीं जा सकता। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हसदेव के बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहिए। हसदेव अरण्य को अगर बचाना है तो उनको केंद्र सरकार को निर्णय लेना ही चाहिए। जिस तरीके से राज्यसभा का, हरियाणा का निर्वाचन, राजस्थान का निर्वाचन अभी होना है, तो कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के साथ पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। हरियाणा में जीत के जो आंकड़े हैं, कांग्रेस के पास उतना समर्थन प्राप्त है, लेकिन हम लोगों ने देखा है इस लोकतंत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े हुक्मरान जो हैं वो विधायकों की खरीद फरोख जैसी बातें करते हैं। हमने देखा है कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या दहाई तक नहीं पहुंची थी, लेकिन माननीय अमित शाह वहां सरकार बनाने में सफल हो गए थे। तो छत्तीसगढ़ में हरियाणा के विधायकों का आगमन हुआ है, अपने प्रशिक्षण के भी कुछ कार्यक्रम वो लोग चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ की योजनाओं का अवलोकन भी वो लोग कर रहे हैं, और संख्या बल के आधार पर लगभग पर्याप्त संख्या छत्तीसगढ़ में उनका हो चुका है। और हमें उम्मीद है, और जिस तरीके से विधायकों की यहाँ उपस्थिति है, तो हरियाणा का राज्यसभा का उपचुनाव जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी कांग्रेस प्रत्याशी को विजयश्री हासिल होगा। हमें लगता है कि 3-4 दिन बाद छत्तीसगढ़ में मानसून की बारिश की शुरुआत हो जाएगी। मानसून के पूर्व 3 बातें होती हैं, पहली तो बीज की तैयारी, किसानों को शॉर्ट टर्म लोन की तैयारी और फर्टिलाइजर की तैयारी। हम तीनों बातें कर रहे हैं, हालांकि केमिकल फर्टिलाइजर की जो उपलब्धता है, केंद्र सरकार से जो 9.5 लाख टन का हम लोगों का जो आवंटन है उसके अगेंस्ट अभी 3.75 लाख टन ही हम लोगों को फर्टिलाइजर उपलब्ध हो पाया है। 40% के आसपास ही केमिकल फर्टिलाइजर छत्तीसगढ़ को मिल पाया है, उसकी कमी है, उसके बावजूद भी जितना मिल पाया है हम प्राइमरी सोसाइटी और के माध्यम से किसानों को दे रहे हैं। हमने शॉर्ट टर्म लोन को जो टारगेट रखा है वो इस साल 5,800 करोड़ रुपया किसानों को देना है अल्पकालीन ऋण, तो लगभग 2,500 करोड़ रुपया डिसबर्स हम कर चुके हैं, तो भी द्रुत गति से चालू है। और विगत 2-3 सालों से बीज की पर्याप्त उपलब्धता रहती है, इस बार भी किसानों को जो बीज चाहिए प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से हमने तैयारी किया हुआ है। आने वाले मानसून के पहले किसानों को हमने आग्रह किया है कि बीज, खाद, नगद का एडवांस लिफ्टिंग वो कर लें, उपलब्ध है और तुरंत उसकी लिफ्टिंग कर लें, ले जाएं। जैसे ही उनकी लिफ्टिंग होते जाएगी तो हमको और फर्टिलाइजर मिलेगा, तो इसकी कोई कमी नहीं है, हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मनरेगा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, उनकी मांगों के निराकरण करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, और हमने उसी दिन मनरेगा के हमारे कर्मचारियों से आह्वान किया था कि स्ट्राइक समाप्त किया जाना चाहिए। इनके 2 माह के हड़ताल में छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हुआ है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। 2 माह से छत्तीसगढ़ में मनरेगा के काम एकदम ठप और बंद थे। छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है, इन महीनों में हमारा जो मेन पावर एंगेज होता था वो 26 लाख तक की संख्या हमें हम मनरेगा में मजदूरों की संख्या होती थी। अब 2-2 महीना मजदूरों को अगर काम नहीं मिला तो पैसा भी ठप हुआ, केंद्र से पैसा भी आना था, गरीबों को काम भी नहीं मिला और विकास के जो काम होने थे वो भी नहीं हो पाए। इनके स्ट्राइक में छत्तीसगढ़ को सीधा नुकसान हुआ है, बावजूद उसके भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई है। अब वो जिद में अड़े हैं कि अपना बर्खास्तगी, फिर उसके बाद इस्तीफा जैसी। तो मैं समझता हूँ कि शासन में और तंत्र में इस तरीके से व्यवहार उचित नहीं है। यूं भी मनरेगा के सारे नॉर्म्स जो तय होते हैं वो केंद्र सरकार के तय होते हैं, राज्य सरकार को सीधा नोटिस देकर के इस तरीके से कार्रवाई वो करना चाहते हैं। मैं तो अभी भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, शासन बातचीत करने के लिए तैयार है, हमने कमेटी बनाई हुई है, उनके समक्ष आकर के अपनी बातों को रखें और अपनी स्ट्राइक समाप्त करें। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है। कल ही केंद्र सरकार के बेहद जिम्मेदार मंत्री आदरणीय रिजिजू जी छत्तीसगढ़ आए थे, स्मृति ईरानी जी आए थे, और प्रेस के हमारे मित्रों ने उनको प्रश्न किया कि महंगाई के बारे में केंद्र सरकार के मंत्री जी क्या सोचते हैं, केंद्र सरकार क्या सोचती है। तो प्रेस से उत्तर देना तो दूर,
बचने की कोशिश करते रहे। आखिर उत्तर उनके पास है भी नहीं ना। 52 रुपये का डीजल अगर 100 रुपये में आप बेच रहे हो, 56 रुपये का पेट्रोल अगर आप 110 रुपये में बेच रहे हो, 340 का रसोई गैस आप 1100 रुपये में बेच रहे हो, तो आम आदमी को तो इस कमर तोड़ महंगाई ने तोड़ डाला है। और भारतीय जनता पार्टी अगर कैंपेन करेगी घर घर जा करके, तो महंगाई में क्या उत्तर देगी? कोरोना काल में लाखों लोग मौत के आगोश में चले गए, उनके पास क्या उत्तर है? बेरोजगारी दूर करने की बात उन्होंने कही थी, एक भी योजना आप नहीं बना पाए, उनके पास क्या उत्तर है? मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और रोज पब्लिक सेक्टर के एक यूनिट को केंद्र सरकार बेच रही है, एयर इंडिया तक बिक गया, भाजपा के पास क्या उत्तर है? किसानों को उन्होंने कहा था हम आपकी आय दुगनी करेंगे, और महंगाई दुगनी कर दिए, किसानों को तोड़ डाले हैं, भाजपा के पास क्या उत्तर है? घर घर जा करके वो प्रचार करेंगे तो क्या बताएंगे कि डॉक्टर रमन सिंह ने 270 देने की बात कही थी, धोखा दिया, 300 बोनस की बात कही थी, वादा खिलाफी हुई, 2100 में धान खरीदी करने की बात कही थी, धोखा दिया। तो जनता पूछेगी कि आपने 15 साल धोखा दिया, अब आके हमको क्या बताने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि उनका जो भी ये कैंपेनिंग है वो पूर्णतः असफल रहेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना तो बड़ा ओपन फैक्ट है, जो किसान खरीफ के फसल का पंजीयन कराता है उन किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का सीधा लाभ मिल रहा है, और उन किसानों की संख्या लगभग 23 और 24 लाख के आसपास है। जो अन्य हमारी योजनाएं हैं उसमें अलग अलग लोग हितग्राही हैं। जो गोधन न्याय योजना हमारी है उसमें लगभग आज की तारीख में 3.25 लाख लोगों ने पंजीयन कराया हुआ है। हमारी जो तीसरी महत्वपूर्ण योजना है, जो ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना, उसमें 4.25 लाख लोगों का पंजीयन हुआ है। तो सीधा इन तीनों योजनाओं से लगभग 30 लाख लोग तो सीधा लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा जो तेंदुपत्ता संग्राहकों का हमारा पंजीयन है वो 14 लाख के आसपास वनोपज संग्राहक होते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के भी जो संग्राहक होते हैं उनकी जो संख्या है वो भी लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास हो जाता है। इस तरीके से जो लोग सीधे लाभान्वित छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से हो रहे हैं उनकी संख्या ये है। अन्य योजनाओं से लाभान्वित लोगों की संख्या अगर आप जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी परिवार को किसी न किसी रूप में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से लाभ सीधा मिल रहा है। केंद्र की किस योजना को लागू करेंगे नहीं करेंगे ये अलग बात है, लेकिन दो अलग अलग बातें होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसको केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ, स्टेट शेयर होता है, हम जिस योजना में अपना शेयर देते हैं उसको हम अपने अनुसार लागू करते हैं। और केंद्र सरकार को कोई बड़ी योजना दे और सीधा पैसा केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में तो हम नहीं रोकते, वो तो सीधा किसानों के खाते में आता है 2000 रुपया 4 महीने में। और उसमें भी कुछ जब पहली बार आया था तो उन्होंने निर्देश जारी नहीं किया था कि सरकारी कर्मचारी नहीं लेंगे, इनकम टैक्स पे ही नहीं लेंगे, इनकम जिसका ज़्यादा है वो नहीं लेंगे, और कुछ लोगों को मिल गया, वसूली कर रहे हैं वसूली। रमन सिंह जी को उत्तर देना चाहिए। और हमने तो कहा है एक बार किसान अगर पंजीयन करा लिया उसके खाते में पैसा जा रहा है तो हर बार उसके खाते में पैसा जाना चाहिए। काहे के लिए केंद्र सरकार हर बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के नाम से बदलती है, लोगों को तकलीफ होती है। केंद्र सरकार की योजनाओं को हम लागू 100% करते हैं, लेकिन जिसमें हमको शेयर देना होता है, पहले योजनाएं मनमोहन सिंह के जमाने में 100% केंद्र सरकार देती थी, बाद में जब शुरुआत हुई तो 80-20 हुई, 20 स्टेट का 80 केंद्र का रहता था, अभी क्या है 60 स्टेट से मांगते हैं 40 केंद्र का, मतलब पूरा पैसा हम दें और नाम केवल उनका हो। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, केंद्र पूरा पैसा दे और हम तो पैसा भी नहीं मांगते। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का जो हिस्सा है केवल उसी को दे दे, हम बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रहे हैं। 32 से 34 हजार करोड़ रुपया अभी भी केंद्र सरकार से हमको लेना है, हमारा हिस्सा, हम उसी की मांग करते हैं, उसको केंद्र सरकार क्यों रोकती है? इसका उत्तर डॉक्टर रमन सिंह को देना चाहिए। माननीय जो विधायक गण आए हैं उसमें 2-3 तो बेहद वरिष्ठ लोग हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, और वरिष्ठतम लोगों के बीच में
कल माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी भी, सांसद जी जो हरियाणा से हैं, उनकी उपस्थिति थी, तो सबके उपस्थिति में माननीय विधायकों के साथ चर्चा हो रही थी, छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं को जानने का जिज्ञासा थी, तो हमने अपनी योजनाओं को बताया। सबसे पहले तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो किसानों को इनपुट सपोर्ट के रूप में हम पैसा दे रहे हैं, हिंदुस्तान में इतनी राशि किसानों को कोई प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है। गोधन न्याय मिशन की बातों को सुनकर के तो उन्होंने खूब, उनको प्रसन्नता हुई, और एक माननीय विधायक जी ने तो कहा कि हम जा करके अपने मुख्यमंत्री को और अपनी सरकार से कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के गोठान योजना, गोधन न्याय की योजना, 2 रुपया किलो में गोबर खरीदी करने की योजना, और जिस तरीके से 19 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार करके खेतों में हम डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको हरियाणा सरकार को भी लागू करना चाहिए। भूमिहीन मजदूर, खेतिहर, ग्रामीण श्रमिक जो न्याय योजना है, राजीव जी के नाम में हमने शुरू किया हुआ है, वह है लैंडलेस गरीबों के लिए। ये प्रकार की योजना तो पूरे हिंदुस्तान में किसी ने प्रारंभ नहीं किया है। इसको भी सुन करके हरियाणा के माननीय विधायकों को बड़ी खुशी हुई। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के एक्सेलेंट जो स्कूल हम लोगों ने प्रारंभ किया, उसको भी उन लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में हमने उनको जानकारी दी। तेंदुपत्ता और गन्ना में छत्तीसगढ़ में हम अपने किसानों को और जो संग्राहक हैं उनको जितना पैसा दे रहे हैं, इस देश में कोई सरकार नहीं दे रही है।